बिरसा नगर थाना क्षेत्र के जोन नंबर 3B में अपराधी अनिकेत तिवारी की 1 सितंबर को हत्या कर दी गई थी। दिनांक 1 सितंबर को हम लोग को बिरसा नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जोन नंबर 3B में एक रोड पे एक अनिकेत तिवारी उर्फ नन्हे तिवारी नाम के व्यक्ति थे, उनकी निर्मम हत्या की गई थी, जिसमें हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हुए और एक नया SIT गठन किया गया था स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के द्वारा CTSP के नेतृत्व में, और जो हम लोगों के आसपास के इलाका में मिले CCTV और उसके अलावा आसपास के लोगों से हम लोग को मिले इनपुट, इसी बेसिस में वर्कआउट करते हुए इस चीज़ को हम लोग खुलासा किए हैं। इसी मामले में पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। एरिया में वर्चस्व को लेकर 3 अपराधियों के द्वारा अनिकेत की चाकू से गला रेतकर हत्या की गई थी। बेसिकली ये जो मर्डर है ये टोटल 3 आदमी के खिलाफ 3 आदमी के द्वारा की गई थी। इसमें जो ब्रह्मा गुराय और नकुल गुराय और एक अनिश गुरुम करके 3 आदमी, ये लोग दोस्त थे। तो इसका बैकग्राउंड ये है कि जो नन्हे तिवारी उर्फ अनिकेत तिवारी हैं, वो ब्रह्मा गुराय जो आपके सामने प्रस्तुत किया गया था, तो इनके साथ उस जोन नंबर 3B का वर्चस्व लड़ाई में इन लोग के बीच में काफ़ी प्रॉब्लम थी। उस दिन के कुछ दिन पहले भी, घटना के पहले भी इन लोग के बीच में बाताबाती हुई कि कौन बड़ा आदमी है। फिर उस दिन ब्रह्मा गोराय कहीं पार्टी में गए थे, खाना पीना खा के आ रहे थे, उसी समय उनका और ये जो मृतक है इन लोग के बीच में गाली गलौज हुआ था। उसके बाद रात में जब मृतक को अकेले पाए और ये तीनों आदमी उनको जाके पकड़ के और चाकू से उनको गला रेत कर उनको मार दिया गया था। जहां पुलिस ने आरोपियों के पास से घटना में प्रयुक्त चाकू और 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं, और इसमें जो गला रेतने के इस्तेमाल की गई चाकू बरामद की गई, और जो अक्यूज्ड है उनका जो चेन था उस दिन प्लेस ऑफ अकरेंस से हम लोग को मिला था, उसको भी हम लोग आइडेंटिफाई कराएं, और CCTV में भी इन तीनों के बारे में वहाँ पर चार्जशीट जो है कैद हुआ है, और ये पूरे सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस और इनके कन्फेशनल में भी ये लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम ही लोग मारे हैं। मेनली 3 आदमी इसमें अक्यूज्ड है, और कारण यही है कि वर्चस्व लड़ाई को लेकर अपने जो एरिया में इसी कारण इनको हत्या की गई थी। दूसरा आदमी भी गिरफ्तार में है, लेकिन वो जो जगह से गिरफ्तार किए हैं वो अभी आन वे है, हम लोग आज ये प्रस्तुत नहीं कर पाए, और तीसरे आदमी का हम लोग खोजबीन अभी जारी है, वो भी जल्दी हम लोग गिरफ्त में आ जाएगा। मैं बताते चलें कि गिरफ्तार आरोपी ब्रह्मा गोराई और नकुल गोराई को पुलिस जेल भेजने की तैयारी में है। वहीं शनिवार को SSP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी।